जो तीन बिल किसानों के हित के लिए, किसानों के कल्याण के लिए जो सरकार लेके आई, कांग्रेस किसान यूनियन और अन्य विपक्षी दल जिस प्रकार से उसका विरोध कर रहे हैं और जिसके विरोध में अभी तक वो सारगर्भित कोई एक बात भी लिख नहीं सके। मैं भी लगातार सोशल मीडिया और आपका टीवी देख रहा कि बात क्या है जिस पे वो विरोध कर रहे। वो एक ही बात कह रहे कि भाई किसान इन बिलों के साथ उजड़ जाएगा, किसान की जो किसानी है वो बचने की नहीं है। लेकिन क्यों नहीं बचने की ये नहीं बता रहे क्यों नहीं बचने की। और इन बिलों की वजह से सारा का सारा जो है वो सरमाएदार के हाथ में चल जाएगा। इस देश का जो अडानी है, जो अंबानी है, दो नाम उनके याद हैं, उनका नाम बार बार कह रहे कि वो सारी चीज पे कब्जा कर लेंगे। तो अभी तक ये बात कहीं भी वो स्पष्ट नहीं कर सके कि ये बिल क्या नुकसान करेंगे। और उन बिलों के ही विरोध में जिस प्रकार से अभी कल राहुल गांधी जी आए थे, पहले पंजाब में तो कोई समस्या, मतलब सरकार अपने आप ही बिलों के विरोध में, सरकार भी वही है जो बिलों के विरोध में, और जिस प्रकार से वो सारा इकट्ठ कर रहे, जो भी कर रहे वो आज आपके सामने है। लेकिन यहां भी आए थे और जिस प्रकार से उन्हें अपने आपको किसान ही तहसील दिखाने का और किसान दिखाने का प्रयास किया, आपको पता ही चल गया कि जिस प्रकार ट्रैक्टर पे सोफा लगाया गया श्रीमान जी चले, तो उससे ही पता चल गया कि कितनी कैपेसिटी और कितनी बात करने की वो है। दूसरा, जो लिख के बात दे दी, आम जनता में एक ही मैसेज गया कि राहुल गांधी वही बोलेगा जो लिख के बात दे दी, उसको स्वयं भी पता नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि देश के लिए बेहद खतरनाक बात है। अगर राहुल गांधी को इन बिलों के बारे में जानकारी नहीं है तो वो भी बेहद खतरनाक बात है, और अगर जानकारी है और जानकारी के बाद भकाने का काम कर रहा तो वो भी बेहद खतरनाक बात है। जबकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने आप ही इस बात का वादा किया था और इस बात पे वोट मांगे थे कि हम इस प्रकार के बिल, इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे किसान को लाभ होगा, लेकिन अब वो उसी का विरोध कर रहे। अब वो क्या कहते हैं कि भी एमएसपी समाप्त हो जाएगा, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी, कृषि मंत्री ने घोषणा कर दी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। अब कांग्रेस कह रही है कि चौथा बिल लेके आओ और जिसमें लिख के दो कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। तो हम कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, जब कांग्रेस का राज था तो तब उन्हें लिख के दिया था क्या? तब उन्हें कोई ऐसा बिल लेके आए थे कि? तब भी ये शासकीय आदेश था, आज भी ये शासकीय आदेश है। दूसरा, कहें वो मंडी समाप्त हो जाएगी, तो मंडी कैसे समाप्त हो जाएगी? हमने कहा मंडी जारी रहेगी। हमने जो पुराना था उसमें कुछ भी नहीं बदला, हमने नया दिया जो कुछ दिया। उस नए में क्या दिया कि हमने कहा कि अगर किसान अपनी चीज को बाहर बेचना चाहता है तो बेच सकता है, बाहर भी मंडी हो सकती है, और उस मंडी के क्या क्या लाभ होंगे। पहला लाभ तो यही है कि जब ग्राहक ज्यादा होंगे, खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो स्वाभाविक है कि बेचने वाले को लाभ होगा। अभी तक उसके पास एक ही विकल्प था, वो था एमएसपी, जो सरकार का था, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई बहुत बढ़िया नहीं है चीज, ये कि अब न्यूनतम पर बेचा होना तो अधिकतम पे चाहिए। तो सरकार ये कहती है कि अब अधिकतम का प्रयास करो, अगर अधिकतम ले सको तो ठीक है, नहीं तो न्यूनतम पे हम आपकी चीज खरीदने के लिए तैयार हैं। तो न्यूनतम का तो कोई चक्कर ही नहीं हो, तो जैसे खरीद रहे वैसे ही खरीद रहे। तो सरकार कहती है कि बाहर बेचो, अगर आप बाहर बेच सकते हो। अब बाहर कैसे बेचोगे साहब? आपको बाहर कैसे बेचना? पहली बात तो ये है कि आज तो फर्क पड़ गया, पहले 4% थी मार्केट फीस, अब अगर 4% को आप लगाओ और बाहर बेच दिया तो आप ये लगाओ कि गेहूं पे लगभग 80 रुपए का फर्क था, 80 रुपए का फर्क था अगर बाहर बेच दी तो। 80 रुपए किसने मिलते हैं? किसान ने मिलते। आज भी 20 रुपए का लाभ होगा अगर वो बाहर बेचेगा, तो खरीदने वाले को 20 रुपए का जब वो होगा तो निश्चित तौर से वो पैसे किसान पे ही जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि किसान उसी प्रकार की खेती क्यों करा जैसी कर रहा? नहीं करे ना। आज आप देखो बड़े बड़े किसान जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहे, वो ज्यादा पैसा कमा रहे, लेकिन छोटा किसान नहीं कर सकता ऑर्गेनिक खेती। अगर वो करता भी है तो उसके लिए समस्या यह है कि उसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? मैं 2 एकड़ का किसान हूं और मैंने 2 एकड़ में खेती करी और आपने कहा कि भाई वो इस बहुत रहा कि उसकी ऑर्गेनिक है, तो कोई भी आदमी कह देगा भाई पता नहीं, हमें तो है कि नहीं है, तो विश्वास नहीं। लेकिन अगर बाहर मंडी होगी
और कोई आदमी इस टाइप का काम बिजनेस शुरू कर देगा तो स्वाभाविक है उस टाइप की एक मशीन लेकर आएगा जो चेक कर देगी, और जो आपकी फसल को चेक करके बताएगी कि आपकी ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक खेती कर सका और आप अच्छे पैसे ले सका। वही गेहूं जो सी आप मध्य प्रदेश से आज 3,035 रुपये खरीद रहे, तो उसने मेरा किसान भी 3,035 रुपये बेच सकता है। मैं जहां का रहने वाला हूं, मैं ऐसी जगह का रहना जहां एक साइड में यूपी है और एक साइड में हिमाचल और एक साइड में हरियाणा है। ये जो कहते हैं कि बाहर से जो छूट है, ये तो पहले भी थी, किसान को बेचने की छूट थी, व्यापारी को खरीदने की छूट नहीं थी। किसान के साथ कोई नहीं कुछ कहता, लेकिन व्यापारी को कहता। और मैं जानता हूं कि यूपी में से जो भी किसान हरियाणा में गेहूं लेकर आवा था, तो वो किसी न किसी बिचौलिए में बेचता था, और हमेशा वो 100-150 रुपये कम में बेचता था उस पर। लेकिन इस कानून के आने के बाद, चाहे फिर वो हिमाचल का है चाहे यूपी का है, अब उसको कम नहीं उसकी बिकागी, उसकी पूरे में बिकागी। अगर व्यापारी भी खरीदागा तो वो जो डिफरेंस होगा 5-10 रुपये का डिफरेंस होगा, 150 रुपये का डिफरेंस अब नहीं रहने का, वो उसको उसकी कीमत ठीक मिलेगी। तो इससे सारे के सारे, और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ गांव में बहुत बड़ी संख्या में ऐसा किसान है, ये जो बात हो रही है बड़े किसान की बात है, बहुत बड़ी संख्या में ऐसा किसान है जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 1.5 एकड़ ऐसी जमीन है। ऐसे किसान साल भर कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं कि भाई किसी ने 1 क्विंटल गेहूं बेच दी, कभी जरूरत पड़ी तो उसने 10 क्विंटल गेहूं बेच दी, तो इस प्रकार का चलता रहता है। और कुछ व्यापारी हैं जो वो खरीदते रहते हैं। अगर आप गांव में जाकर देखोगे तो जो लोग सामान लेगा जहाँ, तो वो गेहूं भी लेगा वहाँ गाँव में इकट्ठी करगा, तो किसी की 1 क्विंटल खरीद ली, किसी की 2 क्विंटल खरीद ली। लेकिन वो खरीदने वाला क्या था, इस बात का रिस्क था, क्योंकि मंडी बोर्ड वाले आदमी रस्ते में खड़े होते और वो उसको पकड़ लेते इस बात के नोगे, क्योंकि तूने हमारी जो फीस थी वो दी नहीं है, इसलिए उस पर फाइन कर देते। तो स्वाभाविक अगर उसके ऊपर फाइन होगा तो वो रिस्क है ना उसका, तो रिस्क कवर करेगा ना जी, तो जब रिस्क कवर करेगा तो वो किस पर लगाएगा, किसान पर लगाएगा जिसने खरीदी। लेकिन जब सरकार ने कहा कि कोई चक्कर नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो रिस्क कवर खत्म हो गया और किसान को अच्छा रेट मिला। क्यों रेट मिलागा, क्योंकि आज तक वो व्यापार करने वाले 5 लोग थे जिनमें थोड़ा ये काम करने का डेट था, लेकिन अब वही व्यापार करने वाले कितने हमें 10 लोग आ जाएंगे और किसान ने अच्छी कीमत उसकी मिलागी। दूसरा बात ये कह रहे कि भाई सरकार ने कह दिया कोई भी अपनी चीज कहीं भी बेच सका, तो छोटा किसान महाराष्ट्र के कर लेगा जाएगा। मैंने कब कहा महाराष्ट्र लेकर जाएगा, वो हमने नहीं कहा, मैंने तो यही जो यूपी की बात कही वो यूपी वाला लेकर जाएगा। और दूसरा मैंने जो बात ये कही कि भाई हिमाचल का होगा, हिमाचल का लेकर जाएगा। लेकिन छोटा किसान का क्या है कि बीच का कोई आदमी उसे दूर भी लेकर चले जाएगा। मेरे यहाँ शुगर मिल है, अब वो शुगर मिल वाला अगर मैं ही उसका गुड़ पैदा करूंगा तो कितनी दूर लेकर चले जाऊंगा, लेकिन शुगर मिल वाला उसकी चीनी बनाएगा कहीं भी जाएगा दूर सप्लाई कर देगा। अगर ये गुड़ी रहे तब किस भौविकता, आज आप देख रहे कि सफेदा आम भी आपने खाया था तो कहां से आया, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश से आया, तो किसान ले गया था उसको, बीच का आदमी ले गया। पर अगर कानून ना होता तो वहां सफेदे का क्या हाल होता आप सोच लो। अभी मलियाबाद से दशहरी आया, तो अगर ये कानून ना होता तो मलियाबाद में दशहरी क्या होती आप सोच लो। लेकिन वही कानून की वजह से हमने मलियाबाद का दशहरी खा लिया, हमने आंध्र प्रदेश का सफेदा खा लिया, हम भी खुश और आज वहां का किसान भी खुश है। ये नहीं चाहते कि किसान खुश हो, ये चाहते हैं कि भाई अपनी पॉलिटिक्स करें।